मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति के बाद नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का सदन में अभिभाषण हुआ। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत और फुंदेलाल मार्को ने टोकाटोकी की। विपक्ष ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का अभिभाषण में बार बार जिक्र करने पर कहा कि राज्य का जिक्र करें। होटल ब्रज पैलेस, मैरिज गार्डन एंड रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन कॉन्टिनेंटल, तंदूरी स्टार्टर, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। नवगठित 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आम जन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं से संबंधित आंकड़े पेश करते हुए कहा कि जब तक गरीबों और अन्य वर्गों को उनका वाजिब हक नहीं दिला दिया जाता, सरकार चैन से नहीं बैठेगी। डबल इंजन की सरकार और बेहतर ढंग से विकास कार्य करेगी। राज्यपाल ने कहा कि मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। राज्य के सभी मतदाता और निर्वाचन आयोग और अतिथि गण सभी बधाई के पात्र हैं। नई सरकार ने कार्य प्रभार ग्रहण करते ही जनता के लिए विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए उत्साह और संकल्प के साथ काम करना शुरू कर दिया है। नए साल में भारत में सेवा संकल्प का नया युग प्रारंभ हुआ है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है। पीएम ने देश को परिवार माना है। मंगूभाई पटेल ने कहा कि जहां लोगों की उम्मीदें खत्म होती है, वहां मोदी जी की गारंटी शुरू होती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत हो रहा है। यात्रा के जरिए हितग्राही अपनी जिंदगी बदलने की कहानी सुना रहे हैं। मोदी जी गारंटी यानी हर वादों का पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी नगर नगर गांव गांव पहुंच रही है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना सहित केंद्र की योजनाओं के लाखों हितग्राही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी। नई संसद में नारी शक्ति अधिनियम लागू हुआ। मध्य प्रदेश में मेरी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। देश के करोड़ों माता बहनों के जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। 5 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। देश की करोड़ों माता बहनों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। राज्यपाल ने कहा कि डीजी लॉकर को प्रदेश में लागू करना बेहतर काम है। इसके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं की मार्कशीट दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। शिक्षा संपूर्ण विकास का द्वार है। 450 करोड़ की राशि चयनित स्कूल का विकास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुशल विकास पर भी सरकार का ध्यान है। सीखो कमाओ योजना से कौशल विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम मेरी सरकार कर रही है। 82 लाख से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं। वंचित वर्ग का कल्याण प्राथमिकता है। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता की मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण निष्पक्ष और गर्व और प्रसन्नता के मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण निष्पक्ष स्वतंत्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की सफल पूर्णाहुति के लिए राज्य के सभी सम्मान्य मतदाता, निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल, शासन प्रशासन तंत्र एवं मीडिया बधाई के पात्र है। मेरी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही आजादी के अमृत काल में प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए विकसित भारत हेतु विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए उल्लास, नई उमंग और नए संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ किया कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी इस मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प पत्र
2023 मेरी सरकार ने आत्मसात कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरवशाली नेतृत्व में विगत 9.5 वर्ष में भारत में सेवक सरकार के युग का प्रारंभ हुआ है। गरीब और वंचित एक जमाने में जिनकी कोई पूछ परख नहीं थी, प्रधानमंत्री जी उन्हें पूछते भी हैं और पूजते भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के गरीब, देश के किसान, देश की नारी शक्ति और देश के युवा ही जिनकी नजरों में सबसे बड़े VIP है। मेरी सरकार ने भी इससे प्रेरणा लेकर जन जन के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने और जनता की आशाओं पर आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से कार्य करने का प्रण लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार माना है और जनता से उनका भावात्मक रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी है, हर गारंटी को पूरा होने की गारंटी है। प्राकृतिक एवं शांत वातावरण के बीच स्थित होटल ब्रज पैलेस, मैरिज गार्डन एंड रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन कॉन्टिनेंटल, पिज्जा, पास्ता, तंदूरी स्टार्टर के साथ और भी बहुत कुछ। प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, विशाल मैरिज गार्डन, विशाल पार्किंग एरिया, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस हॉल, AC, डेलक्स रूम, डॉर्मेट्री हॉल। हमारा पता है 10B बटालियन, नरवनी रोड, गंभीरिया, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 93029-63653, 78980-32939, 88219-0239।